आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउटनेट। हियर इज आवर क्वेश्चन व्हिच सेज दैट हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो हमारा सवाल ये है, नया डेप्यूटी गवर्नर आरबीआई का किसको अपॉइंट किया गया। आरबीआई हमारी इधर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शंस दिए हुए हमें रविशंकर, एसएस मुंद्रा, उर्जित पटेल और अनिल सिन्हा। हमारा जो नया डेप्यूटी गवर्नर आरबीआई ने नियुक्त किया है वो है हमारे रविशंकर जी। और उन्होंने किसको सक्सीड किया है, उन्होंने सक्सीड किया है बीपी कनुनगो को। नाम याद रखिएगा कि किसको सक्सीड किया है, बीपी कनुनगो को। और किस टाइम किया है सक्सीड, मई 2021 में किया है, ठीक है। और साथ ही में ये भी पूछता है कि कितने टोटल आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर्स हैं। तो अभी इन प्रेजेंट 4 डेप्यूटी गवर्नर्स हैं, उनमें से एक को रविशंकर जी ने सक्सीड किया है, वो है बीपी कनुनगो। और साथ में एक सवाल और पूछा जाता है कि आरबीआई के अभी करंट गवर्नर कौन है, आरबीआई के करंट गवर्नर कौन है। तो वो जो है हमारे वो है शक्तिकांत दास जी। ये नाम भी आप याद रखिएगा कि आरबीआई के करंट गवर्नर कौन है, तो हमारे वो होंगे शक्तिकांत दास। और आरबीआई हमारी आरबीआई के हेडक्वार्टर्स भी पूछे जाते हैं कहाँ है, तो वो हमारे है मुंबई में। तो इसमें इससे हमने 3 सवालों के बारे में जाना, आरबीआई के हेडक्वार्टर्स कहाँ है मुंबई, आरबीआई के करंट गवर्नर कौन है शक्तिकांत दास, आरबीआई के बीए में कितने गवर्नर्स होते हैं डेप्यूटी गवर्नर्स 4, आरबीआई के अभी जो नए डेप्यूटी गवर्नर अपॉइंट हुए उनका नाम क्या है रविशंकर, और किसको सक्सीड किया है बीपी कनुनगो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए रविशंकर। होप यू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।